गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं 10:05 से, यानी 10:05 से। तो अभी आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है वसंत पंचमी, तो जो कि वसंत पंचमी के येलो कपड़े पहने जाते हैं, तो मैंने अभी येलो कपड़े पहन रखे हैं और आप लोग भी पहनिए। और अभी टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। और आज सरस्वती माँ की पूजा होती है। और गाइस सरस्वती माँ हंस पे सवारी करती हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानताशी हमें तार दे माँ। तो गाइस सरस्वती माँ से मेरी यही कामना है कि पूरे संसार को बुद्धि दे, आयु दे, विद्या दे और सबको सुखी रखे। और हैप्पी वसंत पंचमी गाइस, हैप्पी वसंत पंचमी। तो गैस मम्मी लेके जाते हैं लड्डू और ये चीज़ की स्लाइसेस। मम्मी चीज़ पराठा बना, मम्मी मेरे लिए चीज़ पराठा बना दोगी? ओके गैस, मम्मी ने 200 चीज़ पराठा बना दिया है, तो अभी मैं इसको खाऊंगा। खाते हैं, बहुत अच्छा है, खाते हैं जल्दी से इसको। राज अभी हम लोग कहाँ चले बताओ? फ्री वाले में चले, चलो चलो पर चलते हैं। और क्या हाल चाल है? इतनी देर क्यों लगा दी नहाने में? बताओ क्यों लगा दी इतनी देर? ठंडी का मौसम है तो। गैस देखिए मेरी हाइट से कितना छोटा है, जबकि मेरे से एक साल बड़ा है। राज नहीं बराबर क्या? तुम मैं 10 साल का, तुम 11 साल के हो। हाँ तुम भी तो 11 साल के हो। मैं 11 साल का थोड़ी ना हूँ। गाइस मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं 10 साल का हूँ। चलो उस दिन तुम चाय मांग रहे थे। हाँ तो है किस दिन? अरे उड़ने वाला फ्लाइंग कार। हाँ मांग तो रहा था भाई, बकरी है। इस तरफ शायद से ताला लगवाया ले, इस तरफ से पार्क में फूफान के चले जाएंगे। अब डांटेंगे ना, कूद फान के चले। ये भाई डॉगी ना दौड़ाए, डर लग रहा है। तुम उसको दौड़ा दोगे क्या? दौड़ाए ताला तो नहीं लगा है। ताला नहीं लगा, यहीं से चलो। यहाँ से चलो फिर। तो गाइस वो पार्क तो बंद था, तो अभी हम लोग वापस आ गए घर। पीछे भोलू भैया, अच्छा डांट भी सुनने को मिल गई। हाँ यार दूसरी तरफ से जा रहे थे तो अंकल ने डांट दिया। अंकल का इस तरफ से नहीं खुलता ना, हड़का दिया। हड़का के चले आए हम लोग मायूस। इस तरफ से नहीं खुलता ना, इस तरफ से कह रहे थे। और फिलहाल अभी मैंने अपने पूरे कपड़े चेंज कर लिए, इधर पहले लोवर, इधर ये शर्ट शर्ट और ये मैं हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे टहलने, अभी हम लोग जा रहे थे चीनी लेने। ये देखो तालाब बन गया। गाइस ये नाली का तालाब बन गया। गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, हम लोग ना अभी जा रहे थे चीनी लेने, है ना भाई? अभी हम लोग को अपने दोस्त मिल गए एक, तो उसके बाद हम लोग चीनी लेने जा रहे थे। तो जो अंकल है ना जिनकी तो शॉप है भाई, वही सीधे निकल लेते हैं यहाँ से। तो इस वजह से मैंने उनसे कह दिया, अब वो चीनी शायद से आगे दे जाएंगे, है ना राज? हाँ दे जाएंगे जहाँ तक तो। हाँ बाकी यहाँ का मौसम अभी सही हो गया है, अब बारिश वाला कुछ भी नहीं रहा। वही तो सही करवाते यार, देखो कितना गंदा, बहुत गंदगी कर रखी गई है यार यहाँ पर। कीचड़ कीचड़ भरा गया है। क्या जो देर में बाल घिर के हाल हो गया। तुमने आज नहाने? नहीं भाई डेली नहाता हूँ मैं तो। तुम डेली जो डबल हो डेली कल नहीं नहाए थे तुम? अरे कल ही तो नहीं नहाते ना। हाँ तो वही तो डेली हुआ क्या है? डेली नहाते हैं, डेली नहीं नहाते, कल नहीं नहाते, उसको मतलब डेली नहीं हुआ। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए डेली होता है? हर रोज नहाना होता है डेली, और एक दिन भी छोड़ा तो वो डेली नहीं रहता। जैसे अरे भाई कुत्ते, अरे
बना दो ना उसका देखना। हाँ अगर जैसे हम लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो अगर हम लोग एक भी ब्लॉग ना करें तो वो डेली ब्लॉगिंग नहीं रहेगी। ये डॉगी दौड़ाता है भाई, कूदेगा 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 क्या। ये देखो गाइस जन्म सफर है, खाना भी ना खाता है, मस्त है। लेकिन ये हम लोग जब अगर अंकल नहीं होते तो दौड़ा लेते हम लोग को। हाँ क्योंकि अंकल ने भी फुसला के कुछ किया ना। तो इस वजह अभी आपको वापस लौटते समय अगर अंकल नहीं होंगे तो आपको दिखेगा वो कितनी कूड़ा बनती की गई है सामने, है ना गाइस। ये कार कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। ये कौन सी कार है? सिटी होंडा है। नहीं सिटी होंडा नहीं, सिटी होंडा ही है, सिटी एसवी 5V या कुछ भी होंडा ही है, होंडा सिटी है। और गाइस आपको आपका फेवरेट गाना कौन सा है कमेंट करके नीचे बताएं। और वैसे मैं बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये देखो तालाब यहाँ भी बन गया, तालाब हर जगह बन जाता है। और बताइए कमेंट करके आप मेरी बीट बॉक्सिंग कैसी लगी और आपका फेवरेट गाना कौन सा है ना। राज का तो वो है कौन सा? अरे वो ये लीली वाला नहीं रा... सॉन्ग है ना? नहीं राज का गाना वो फेवरेट गाना वाला है लॉलीपॉप लागे लू वो नहीं मेरा फेवरेट गाना ये लीली है। अरे वो बेकार है, कोई गाना भी है क्या? वो गाना नहीं है, ये ऐसे ही है चाइनीज चाइनीज कोरियन कोरियन साइड का। चलो भाई कोरियन यहाँ पर देखते हैं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग चलते हैं इधर, है ना राज। गाइस यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, बहुत लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे बाप रे ये क्या कर दी, इतनी भयंकर कॉफी पूरी गिरा डाली। वो गिर गई पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे, बाप रे ये क्या कर दिया। बिल्कुल नई कॉफी का डब्बा लाए थे यार हम लोग, तो तोड़ दिया। हाँ सर ये हो तुम, कितनी बर्बादी की। जस्ट अभी इन्होंने डब्बा खोला और सब बर्बाद कर डाला यार, सब पिघलने लगी कॉफी, नीचे पानी पड़ा था, पानी तो नहीं लेकिन पिघलने लगती, मॉइस्चर होता है यार। यार दीदी यार ये क्या कर दिया तुमने, कपड़े मेरे ऐसे हो गए पूरे। हंस रही हो तुम, दीदी ने कॉफी का जार तोड़ दिया। गैस ये लाइट लगवाई है मम्मी ने और पापा ने, और ये लाइट में एक तो पापा जी तो लगा लेते हैं, पापा को लगानी आती है, और ये लाइट लाइट वाइट सारा काम आस्था जी हैंडल करती है जो कि मेरी सिस्टर है, और ये काफ़ी प्यारी लाइट्स हैं। देखते हैं गैस मम्मी कहाँ हैं। अच्छा आप यहाँ बैठी हो, ये बैठी है गाइस मम्मी। क्यों ढूंढ रहे थे क्या? और नहीं तो क्या, क्यों ऐसे ही कमरे में बैठी हो? नहीं क्यों ढूंढ रहे थे तुम हमें? आराम कर रही है मम्मी गाइस। यार ये कमरा अच्छा गर्म खासा है ना। और गाइस ये है आस्था दीजी का रूम, और ये मम्मी आज शाम को यहाँ लेट जाऊँ क्या मैं? अकेले लेट पाओगे? अरे बिल्कुल। और गाइस यहाँ पर अगर ऐसे नॉर्मल ठंड गर्मी में बैठना है तो मस्त अपनी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक यहाँ रखो, कोल्ड ड्रिंक चिप्स, और सामने अपनी शक्ल देखो। वैसे गाइस आपको पता है शायद यहाँ पर हम लोग मेरे लिए मम्मी PS4 लगवा दें ऐसा, मम्मी शायद से मैं लगवा लूँ यहाँ पर PS4, है ना मम्मी। चलो थोड़ा काम कर लो, चलो बाहर चलें, चलो क्योंकि कल भी छुट्टी है तो आज तो मैं पढ़ूंगा नहीं, सभी को पता है। अरे मम्मी जब दो दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं ना एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ता और दूसरे दिन पूरा ही पढ़ता हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन एक दो घंटे पढ़ता हूँ। यार साफ ही तो है, क्या करना मम्मी, थोड़े दिन आगे फिर बिगड़ जाएगा। खाना बिस्तर में अंतर है वहाँ, फिर सही करो फिर बिगड़ जाएगा। वैसे ये कुछ आस्था दीदी ने ये लगवाए हैं फ्रेम्स,
घर में प्रिंटर है ना, तो मैंने लगवा दिए थे प्रिंट करके। ये चार मेरे को ना बहुत ही अच्छे ये फ्रेम्स लगते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, और इसमें कुछ मोटिवेशनल लाइंस लिखी हैं आप देख ही सकते हैं, जैसे कि और आस्था दीदी यहाँ रहती है, तो मैं और आस्था दीदी का यही कमरा है, तो हम लोग डेकोरेट करते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप वो देख सकते हैं साइड में थोड़ा सा हम लोगों ने लगवाया है। थोड़ा बड़ा कमरा है ना, इस वजह से मैं और आस्था जी दोनों यहीं पर रहते हैं, ऐसे गर्मियों में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडियों में भी नॉर्मली रहता है, गर्मियों में भी हम लोग यहीं रहते हैं क्योंकि गर्मियों में आस्था दीदी आती है, क्योंकि अभी वो दिल्ली में रहती है, तो यहीं रहते हैं हम लोग। गाइस आप देख सकते हैं फैन लगा है बिल्कुल कोबरा डिज़ाइन में, हाँ मस्त डिज़ाइन है। और ये देखिए कुछ फर्दे में पेड़ टाइप के बने हैं सिल्वर कलर के। गाइस तगड़ी लड़ाई हो चुकी है देखिए। ये लोग थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर वापस सही हो जाते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर सही हो जाते हैं, कितना भयंकर लड़ते हैं। नहीं देखो ये कौन जीतेगा आप कमेंट करके बताइए। आई थिंक वो पीछे से आ रहा है, ये लड़ाई रुकवा देगा। ये जीत गया, हाँ वाइट वाला जीत गया गाइस, वाइट वाला, तो वाइट वाला जीत गया। तो गाइस ये है एग वाली मैगी जो दीदी खाती है, लेकिन मैं सिंपल खाता हूँ, मैं एग नहीं खाता, तो मैं आपको अपनी वाली दिखाता हूँ। और ये है बिना एग की जो मेरे को फेवरेट मेरी है, क्योंकि मेरे को एग एग वाली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं एग खाता ही नहीं हूँ, बाकी उसमें टमाटर वमाटर पड़े हैं वो भी मेरे को नहीं अच्छे लगते, तो ये मेरी बेस्ट मैगी है। ये देखिए गाइस डिफरेंस, कितनी डिफरेंस इन दोनों में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग कमिंग सून। बाय बाय गाइस।